A very good morning, dear students. Welcome to the English class. So today we will recite a poem, and the title of your poem is An Echo in My Room. Yes, you can see an echo in my room. आप सबको पता है echo क्या है? Echo means गूंज, right? So now reading. Read this funny poem about an echo that a child finds in his room. ये जो आपकी poem है ये basically echo के बेस पर है, जो कि एक बच्चा child, you can see his picture, अपने room में echo को feel करता है. It's a funny poem, so let's see कि इस poem में क्या है. There is an echo, echo, echo in my room today. It's an echo that I wish would go away. बच्चा कहता है मेरे रूम में सिर्फ इको इको और इको ही है. लाइक वो उस रूम में अकेला है, एंड वो जैसे ही कुछ भी साउंड निकालता है अपने माउथ से तो वो रिपीट होकर उसके पास 2 to 3 टाइम्स आती है, विच मेक्स द साउंड एज एन इको, राइट? अब यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने बोला हेलो, तो पीछे से हमारे बहुत सारी साउंड हेलो की ही सुनाई देती है, जो कि उसका साउंड जो एक्सपोजर है वो स्लो होता हो जाता है. जैसे हेलो 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 हेलो, इस तरीके की जो प्रोसेसिंग है वो इको में कंसीडर की जाती है. नाउ नेक्स्ट 2 लाइंस में वो कहता है इट्स एन इको दैट आई विश वुड गो अवे. यही इको का जो पार्ट है, मैं विश करता था और आज मेरे साथ ये हो रहा है. नेक्स्ट, It's a problem for no matter what I do, if I make a sound, the echo makes it too. वो कहता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? कि मैं जो भी बोलता हूँ, कोई भी साउंड क्रिएट करता हूँ या कोई भी साउंड निकालता हूँ, तो इको सेम मेरी तरह वो साउंड क्रिएट कर देती है. द नेक्स्ट पैरा, When this echo started yesterday, I was not amused. It's not okay. अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, आप देखिए, वो कहते हैं कि अगर कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, चाहे मैं उसको कल बोल रहा था या मैं वो बात आज भी अगर बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे एग्जैक्टली वैसा ही विजुलाइज करा रही हैं जैसा एक दिन पहले करा रही थी. इको तो अपने आप का साउंड क्रिएट करेगा, चाहे आप आज अब एक इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा. एक बंद रूम में आप ज़ोर से शाउट कीजिएगा तो आपको ये लगेगा कि पीछे से आपकी आवाज़ें आपको वापस से सुनाई दे रही हैं. अम्यूज्ड मीन्स हैप्पी, राइट? नाउ I must be silent. I am afraid to speak. If I am talking, it might last all week. Now जो है वो child कहता है कि अब मैं एकदम silent हूँ. क्यों? क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ. मुझे लग रहा है अगर मैं फिर से कुछ बोलूँगा तो ये मेरा process दोबारा से start हो जाएगा. पहले तो child को बहुत मज़ा आ रहा था echo sound create करने में, लेकिन अब again and again ये process देख के वो थोड़ा सा परेशान हो गया. Now last one, it's annoying but it seems it's here to stay. It's my parrot saying everything I say. वो कहते हैं it's annoying, ये बहुत अजीब है, दिखने में तो अजीब लगता है लेकिन actually reality ये है कि जो भी sound मैं बोलता हूँ मुझे वापस से वैसी again and again sound सुनाई देती हैं. So it's all about this your poem. ऑल राइट, आप सबको सबसे पहले क्या करना है, इस पोएम को रीड आउट करना है, एंड देन उसके बेसिस पे आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है. सो आई होप बच्चे इसको इसी तरीके से रिसाइट करेंगे जैसे मैम ने किया है. वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड देन पोएम को रिसाइट कीजिएगा एंड एन्जॉय दिस फनी पोएम. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.